पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में जैसे कि बम ब्लास्ट की खबर सामने आई, पंचकुला पुलिस ने जिले के कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया। देखिए, पंचकुला के कोर्ट परिसर में अब आपको पुलिस का पहरा दिखेगा। कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों की तलाशी भी ली जा सकती है। इन सब के पीछे की वजह है लुधियाना कोर्ट परिसर से सामने आई खबर। दरअसल जैसे ही लुधियाना के कोर्ट परिसर से खबर सामने आई कि कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ है, पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 1 में बने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच डीसीपी मोहित हांडा अपनी पूरी टीम के साथ जिला अदालत पहुँचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कोर्ट परिसर की सुरक्षा जो है वो हमेशा ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा रहा है। इसके लिए विशेष एक एसीपी स्तर के नोडल अधिकारी भी हैं और एनजीओ स्तर का एक फुल टाइम कोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज है। पर्याप्त संख्या में यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। इसमें जितने हमारा जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, मेटल डिटेक्टर इत्यादि, वो भी सारे यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं। स्टाफ की लगातार ब्रीफिंग होती है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी लगातार निगरानी में रखा जाता है। डीसीपी मोहित की माने तो कोर्ट परिसर को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसे लेकर डीसीपी ने पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही कोर्ट में आने वाले लोगों की तलाशी के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को साधन भी उपलब्ध करवा दिए हैं। जब यह इंसिडेंट हुआ तो इसका जायजा लिया गया और अब इसके बारे में लगातार जो है वो इस सिक्योरिटी का हम रिव्यू करेंगे और जो भी इसमें और सुधार लाना होगा वो भी लाया जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोर्ट्स हैं और हमारे लिए ये हमेशा ही अहम बिंदु रहा है, पर फिर भी किसी भी प्रकार के इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए एक बार फिर इसको हम रिव्यू कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए। वहीं दूसरी ओर पंचकुला पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पर और जिला लेवल पर भी एडवाइजरी जारी करेगी और कोर्ट में आने वाले सभी संदिग्धों की चेकिंग भी की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कोर्ट परिसर में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे। बता दें कि लुधियाना कोर्ट परिसर से 23 दिसंबर को बम ब्लास्ट की खबर सामने आई थी। घटना में एक की मौत हुई थी तो वहीं लुधियाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में ब्लास्ट करने वाले शख्स की ही मौत हो चुकी है। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक।